हल्द्वानी के जजी कोर्ट में अज्ञात लोगों द्वारा कोर्ट के ताले तोड़े गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने भी जजी कोर्ट का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि न्यायालय की सुरक्षा पहले से ही कम है, ना तो कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही पर्याप्त सुरक्षा है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने न्यायालय में किसी प्रकार की फाइल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। वहीं एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि पूरे मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है। हालांकि कोर्ट परिसर में दो गार्डों की ड्यूटी रहती है, बावजूद इसके न्यायालय के अंदर जजों के रूम के ताले कैसे टूट गए, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये हमारा यहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हमारा सेशन कोर्ट है हल्द्वानी में, जजी कोर्ट, यहाँ पे सुबह नाजिर साहब ने हमें फोन करके जानकारी दी कि यहाँ पे ताले वाले टूटे हुए हैं और कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं और एसएसपी साहब भी यहाँ पे आए हैं, तमाम हल्द्वानी के थाने से भी पुलिस यहाँ पर आई है। तो प्रथम दृष्टया देखने में आया है कि यहाँ एसीजीएम कोर्ट में ताला टूटा है और ऊपर जेएम सेकंड जो न्यायिक दंडाधिकारी दृति हैं उनके यहाँ भी ताले टूटे गए हैं और जो अलमारी अंदर है उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। और अभी इसमें जाँच चल रही है कि किस उद्देश्य से क्या किया है, क्या कुछ फाइलों वाइलों में फाइलें वाइलें तो इधर उधर नहीं हुई हैं, इस बारे में भी जांच चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है परिसर? सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो गारद तो यहाँ पर दो हैं परिसर में, मगर हम बहुत लंबे समय से कहते भी रहे हैं कि जुडिशली में सिक्योरिटी का सिस्टम थोड़ा सा पर्याप्त नहीं है और यहाँ कोई आज सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। अगर शायद आज सीसीटीवी कैमरे होते, ये सब चीज़ें होती तो इस चीज़ का पर्दाफाश होता। हो सकता है कि कोई अपनी क्या उसका उद्देश्य रहा हो, क्योंकि कोई इस तरीके का तो है नहीं कि कोई वस्तु चुराना या पैसे के लिए कुछ ऐसा जुडिशियली में इस तरह का, तो मुझे लगता नहीं। देखिए जजी कोर्ट हल्द्वानी में सूचना प्राप्त हुई थी कि ताले तोड़े गए हैं, आके मौके पर देखा गया है, सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है और इसके अंदर जो भी तथ्य सामने आते जा रहे हैं उसी के अनुसार हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे हमारी हमेशा परमानेंट पुलिस गार्ड होती है और अपना कोर्ट का अपना चौकीदार है जो हमें होता है, तो यहाँ सीसीटीवी जो है वो हम चेक कर रहे हैं, आसपास में जो भी सीसीटीवी होगा उसको चेक किया जाएगा।